बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नहम क्लास फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड न्यूमेरिकल हैं। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो इसी में से पूछे जाएंगे। ये जो न्यूमेरिकल हैं ये उर्दू मीडियम तलबा के लिए हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम के तलबा के ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पर अपलोड कर चुका हूँ। इंग्लिश मीडियम के तलबा वहाँ पर जाकर वो सारे न्यूमेरिकल नोट कर सकते हैं। उर्दू मीडियम के तलबा बार बार मैसेज और कमेंट कर रहे थे कि सर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए अलहदा से वीडियो बनाई जाए, तो ये जो वीडियो है न्यूमेरिकल वाली ये उर्दू मीडियम तलबा के लिए इंशाल्लाह ताला सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, एक कार 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में कम होकर 15 मीटर फी सेकंड रह जाती है, कार का रिटार्डेशन मालूम करें। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको लाजमी कीजिएगा। एक क्रिकेट बाल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, बाल 6 सेकंड बाद जमीन पर वापस आती है, बाल की इब्तदाई वेलोसिटी और ज्यादा से ज्यादा बुलंदी मालूम करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा न्यूमेरिकल है जिसके ऊपर ये मैंने स्टार बनाए होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल होते हैं। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है, इसका तय करदा फासला मालूम करें, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है, किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स को कितना वक्त दरकार है। ये भी स्टैटिक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड में घुमाने के लिए कितनी सेंटीमीटर फोर्स दरकार होगी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद सिक्स न्यूमेरिकल है, ये भी स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है, किसी कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस 16 सेंटीमीटर है, 50 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद सातवां है, एक मैकेनिक 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर की मदद से बाईसाइकिल का नट कसता है, नट को कसने वाला टार्क मालूम करें। इसके बाद आठवां है, इस फोर्स की मकदार और सीमा बताइए जिसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। इसके बाद नाइन्थ न्यूमेरिकल है, एक नट 10 सेंटीमीटर लंबा स्पिनर के लिए 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है, इसे 150 न्यूटन की फोर्स से धकेल करने के लिए ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पिनर दरकार होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दसवां न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, एक शख्स 200 न्यूटन की फोर्स से जो उफ की सतह के साथ 30 डिग्री का दाविया बनाती है एक ट्राली खींच रहा है, इसके लिए उफकी और मुद्दी कंपोनेंट्स मालूम कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद ग्यारहवां न्यूमेरिकल है, 50 न्यूटन की फोर्स जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का दाविया बनाती है इसके मुद्दी कंपोनेंट्स मालूम करें। इसके बाद बारहवां न्यूमेरिकल, एक फोर्स किसी जिसम पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का दाविया बनाते हुए अमल कर रही है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, फोर्स मालूम करें। इसके बाद नेक्स्ट 13 न्यूमेरिकल स्टैटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है, पंप की पावर मालूम करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए एक हथगाड़ी को 35 सेंटीमीटर खींच कर ले जाता है, आदमी का किया गया वर्क मालूम करें। इसके बाद नेक्स्ट है, एक साइकिलिस्ट 100 जूल फूड एनर्जी के औज अपनी साइकिल को चलाने के लिए 12 जूल कार आमद वर्क करता है, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 550 केजी का एक आदमी 20 सेकंड के लिए 25 सीढ़ियां चढ़ता है, अगर हर सीढ़ी 16 सेंटीमीटर ऊंची हो तो इसकी पावर मालूम करें। इसके बाद 17 न्यूमेरिकल, ये भी स्टैटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 12 किलो न्यूटन वजनी कार की स्पीड 20 मीटर फी सेकंड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद नेक्स्ट है, 20 केजी एक साकल जिसम पर 200 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है, ये फोर रेस्ट में पड़े हुए जिसम को धकेलती है ताकि जिसम 50 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हल कर लेता है, फोर्स कितने फासला तय करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक 40 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा बजरा जिसके द्वारे मुद्दी पानी में तैरता है मजीद 12,500 कार्गो के लिए कितना फासला डुबोएगा। इसके बाद नेक्स्ट 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, स्टैटिक है, हवा में धाती चमक का वजन 0.48 न्यूटन है जबकि पानी में इसका वजन 0.42 न्यूटन है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसके बाद नेक्स्ट है, एक पिन का बलाई सिरा मुरब्बा नवाएं जिसकी एक साइड 10 मिलीमीटर है, इस पर लगने वाली 20 न्यूटन की फोर्स से पैदा होने वाला प्रेशर मालूम करें, यह भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, 20,000 न्यूटन की वजन उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी अगर पंप के पिस्टन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, स्टैटिक है। इसके बाद नेक्स्ट है, 1000 ग्राम पानी को 1000 डिग्री सेल्सियस पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी जबकि पानी की वेपोरेशन की हरारत मख्फी 2.26 रेज पर 6 जूल पर केजी है।
इसके बाद नेक्स्ट है 50,000 जोल हरारत मुहैया करने के लिए कितनी बर्फ़ पिघलेगी, जबकि बर्फ़ के पिघलाव की हरारती मौजूद 3,36,000 जोल पर केजी है। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल, लास्ट मेडिकल है 0.5 kg पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी मरकाज गदार होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल है, इसको लाजमी कीजिएगा। ये थे बच्चों के आपके 9th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड मेडिकल। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपके सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है इसी में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो बाकी मजामिन है इनकी बोर्ड स्कीम और गेस्ट पेपर, वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अब वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।